अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, दरअसल ये मेरा दर्द है। मुझे तकलीफ इस बात से होती है जब कोई ऐसे सवाल करता है। वैसे तो मौजूदा दौर में मुस्लिम माशरे के खिलाफ रोजाना नित नए मनसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन माशरा है कि बेहिसी के इंतहा हर रोज पार करते नजर आ रहा है। उस तरफ हर रोज साजिशें बनाई जा रही है, तो इस तरफ माशरा बेहिस बनता जा रहा है। मस्जिदों के सामने खुलेआम मुस्लिम औरतों की बेटियों के अस्मत रेजी के ऐलानात किए जा रहे हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी की बातें कही जा रही है। हुकूमतें खामोश है, इंतजामिया भी खामोश है, मतलब जो चाहे मुस्लिम माशरे के खिलाफ बोले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में हक की आवाज को बुलंद करना या सच बात कहना गोया जरूरतमंदी का मुजाहरा ही कह सकते हैं। जिस माशरे पर इतने जुल्म हो रहे हैं, पूरा का पूरा माशरा खामोश है। एक आध इल्मी दानिश्वर छोड़ कोई भी ना जुल्म के खिलाफ, ना जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, ना फिरका परस्तों के खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए तैयार है। संविधान तो इजाजत देता है, तुम्हें बोलने लिखने खाने पीने की आजादी है, लेकिन डर इस कदर छाया हुआ है कि कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मुसलमानों की नस्ल कुशी पर बारहा बात हो रही है। अमेरिका की जेनोसाइड वॉच ने पहले ही कहा है कि भारत एक बड़े नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा है। अब तो घर घर हथियार पहुंचाने की मुहिम जारी है। कल पिपरी में कुरियर से तकरीबन 100 तलवारों की खेप पकड़ी गई। अब क्या पता कि कितने हजार तलवारें तमंचे तकसीम हुए होंगे। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक नस्ल कुशी का 8वां मरहला पार हो चुका है। महज कुछ ही अरसे में ऐसा हो सकता है कहा जा रहा है। अमेरिका के कई एजेंसियों ने भारत में बढ़ती फिरका परस्ती पर डर का इजहार करते हुए जल्द बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। आपको एक और बात याद दिलाता चलूं कि बोस्निया में मुसलमानों की नस्ल कुशी के 29 साल कल पूरे मुकम्मल हुए। सर्बियों की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई थी, जिसमें हजारों मुसलमानों और हजारों बच्चों का कत्ले आम किया गया था। हजारों औरतों की असमत रेजी की गई थी, मासूम बच्चों को मारा गया था। बोस्निया के मुसलमानों की नस्ल कुशी दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कुशी के तौर पर देखा जाता है। 3 साल 11 महीने तक मुस्तकिल नस्ल कुशी यानी कि मुसलमानों को मारा गया। इसी तरह रोहिंग्या मुसलमान फलस्तीन वगैरह काफी जगहों पर मुनज्जम साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। अब जिस तरह मुस्लिम मुखालिफ माहौल चारों तरफ बढ़ रहा है, भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के बाद धर्म संसदों से खुले मंचों से कही जा रही है। अब हुकूमतों का किरदार क्या होगा यह अलग बात है। फिलहाल मस्जिदों के सामने बाबाओं के जरिए जो चाहे मनमानी बयान दिए जा रहे, सब सोशल मीडिया पर हर रोज वीडियोस वायरल हो रही है। इतना सच है कि अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक दिल का दर्द बयान करने के लिए आज के इस मौजू पर तबसरा करना चाहता हूँ। अब दूसरा पहलू मुस्लिम माशरे का यह है कि यह माशरा महज एक दूसरे पर शक करके ही खत्म होने वाला क्या, ऐसा सवाल भी कभी कभी आता है। मुखबिर खबरी या बी टीम जैसे नए अलकाबों से नवाजने का दौर भी जारी है। खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो कुछ माशरे में बेदारी लाने का काम कर रहे हैं, इन्हें तंज करते हुए क्या बीजेपी का आदमी है जैसे घटिया और फिजूल शको शुबात में बड़ा तबका मुलविस होते देखा जा रहा है। इस कौम के अक्सर लोगों को देखा जा रहा है। कुछ तंजीमें इदारे और मुस्लिम मीडिया जो बेखौफ होकर भाजपा संगी फिरका परस्तों के खिलाफ बोलते हैं, तो सवाल ये पूछा जाता है कि इतना हुकूमत के खिलाफ बोलता है तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। क्या बीजेपी की बी टीम है जैसे घटिया इल्जामात लगाते जाते, ये इनकी बेगरती का मुजाहरा है। बड़ा अफसोस होता है इस माशरे पर कुछ तंजीमें इदारे जरूरतमंदी का मुजाहरा करते हुए कुछ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इनके इस जरूरतमंदी पर उंगली मत उठाओ। बहुत आसान है किसी पर उंगली उठाना। मैं तो कहता हूं कि उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में तो झांक कर देखो मुनाफिकत के किस मियार पर तुम जाकर पहुंचे हो। आज जब कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, मुंह से लफ्ज निकलने के लिए तैयार नहीं, मुसलमानों पर मजालिम होते हुए तमाम का तमाम माशरा खामोश है, सियासी रहनुमा, इल्मी रहनुमा, दीनी दानिश्वर तमाम के तमाम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, ऐसे वक्त में कोई तंजीम, कोई इदारा या कोई मीडिया अगर बोल रहा है तो इसके ऊपर उंगली उठाना किस हद तक और किस निचले मियार पर गिरने का आप जो है इसकी दलील दे रहे हो। लिहाजा ऐसे वक्त में उंगली उठाना दुरुस्त नहीं है। एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे को खबरी मुखबिर कहना, यह मुसलमानों की और इस माशरे की पस्ती नहीं तो क्या है। और ये कहते हुए उंगली उठाना कि शायद बीजेपी का सपोर्ट है, वरना अब तक इसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। भाजपा के खिलाफ जो चाहे बोलता है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मतलब क्या कार्रवाई होने के बाद ही आपको तसल्ली होगी। खासकर बेलगाम के मुस्लिम माशरे की बात कहूं तो तुम्हारी कौन सी मदद, तुम्हारा कौन सा ताउन आप मुस्लिम मीडिया या मुस्लिम इदारों को करते हो। आपकी मदद तो दूर की बात, मुस्लिम मीडिया को इज्जत से पेश आने की तमीज नहीं है। इंतजामिया फिरका परस्तों की जानिब से बारहा हिरासा किया जाता है।
क्या हर बात आपको बताई जाए? और अगर आपको बता भी दूं तो आप कौन सा दौड़ कर आने वाले? बेहिस माशरे से कोई उम्मीद कर भी नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि खुद तो कुछ नहीं करते, दूसरे पर उंगली उठाना भी बंद करो। जहां माशरा नस्ल खुशी की कगार पर होने का अंदेशा बिल्कुल सामने आ चुका है और साफ नजर आ रहा है, जो भी माशरे में बेदारी का काम कर रहा है, इन्हें ये कहना कि इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अब इसे मुनाफिकत की इंतहा नहीं तो क्या कहा जाए? किसी दूसरे माशरे में मीडिया की अहमियत को तो देखो, कैसे हर लिहाज से ताउन किया जाता है। हमें इश्तिहार के रुपये तक ठीक से नहीं मिलते, कभी PFI पर, कभी मुस्लिम तंजीमों पर, तो कभी मुस्लिम मीडिया पर। सिवाय उंगली उठाने के कुछ नहीं करना है। और जब माशरे की फलाह बहबुदी के लिए जद्दोजहद करने के बाद भी इस तरह की बातें कही जाती है तो बुरा भी लगता है। भाजपा, RSS, बजरंग दल से भी अपनों की बातें बहुत तकलीफ देती है। लिहाजा खुद कुछ नहीं करते तो खामोश रहो, किसी और पर तंज ना करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुश्किलों के पहाड़ इस उम्मत के सामने खड़े हैं। बेहिस और बेगैरत होकर मरने से अच्छा है इस समाज, इस माशरे के लिए कुछ करने का जज्बा रखो। कुछ नहीं कर सकते तो खामोश तो रहो। आज का यही पैगाम आपके लिए। आज अचानक बेलगाम शहर में धुआंधार बारिश ने रोजमर्रा के कामों को ठप कर दिया। तेज हवाओं की वजह से रमजान मुबारक के बैनर भी हवाओं से उड़ते हुए नीचे गिर गए। कई जगहों पर इश्तिहार के बैनर भी गिर गए। पानी सड़कों पर बहते हुए भी देखा गया। इसी तरह नई सब्जी मंडी, जिसे शहर का अहम तरीन सब्जी मार्केट कहा जाता है, आज के बारिश से यहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर स्मार्ट सिटी बेनकाब होती दिखाई दे रही थी। योजनाएं, स्कीमों को बड़े धूमधाम से शुरू भी किया जाता है, बड़ा ऐलान भी किया जाता है, इश्तिहारबाजी भी होती है, लेकिन एक बार की बारिश में ही कई चेहरे बेनकाब भी हो जाते हैं। आइए देखते हैं एक मंजर। ही में जहां को वैक्सीन को रद्द करने का फैसला WHO ने लिया, वही वैक्सीन को लेने के बाद 19 साल की तुलबा की मौत ने एक बार फिर आवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोच्ची की नवा सबू, जो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ती थी, कोविशील्ड लेने से मौत होने की बात कही जा रही है। नवा सबू के वालिदैन ने केरला अदालत में मामले को दर्ज करते हुए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। वालिदैन का कहना है कि जैसे ही कोविशील्ड वैक्सीन नवा ने ली, दूसरे दिन अचानक तबियत खराब हुई और उसी में मौत हो गई। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पहले से ही वैक्सीन पर उठते सवालों से एक तरह का डर आवाम में देखा जा रहा है, ऐसी चर्चा भी जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद। शुक्रिया। हाफिज।